डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हमने नाइन्थ क्वेश्चन कर लिया था और इलेवेंथ क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया था, इलेवेंथ करा दिया था, थर्टीन्थ करा दिया था। अब हम बीच में मैंने दो तीन क्वेश्चन छोड़े थे, वो हम कर रहे हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्कशीट, ये टेंथ क्वेश्चन है। ये कुछ क्वेश्चन दिया हुआ, देखो क्या है। राइट ए फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन हमें लिखना है, एक फ्रैक्शन लिखना कोई भी अपनी मर्जी का, ठीक है। जैसे मैंने मान लो 2/3 लिख दिया, ठीक है। 2/3 मैंने ऊपर न्यूमरेटर में 2 लिखा, डिनोमिनेटर में 3 लिखा, 2/3 फ्रैक्शन लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, हमें क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब मुझे ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैंने कर दिया। उसके बाद देखो, अब ये कहता है राइट द रिजल्टिंग फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन इन इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 2 जा 4, ऊपर 4 आएगा, 3 2 जा 6, नीचे 6 आएगा, 4/6 आ गया। राइट द टू फ्रैक्शन साइड बाय साइड, हमें साइड बाय साइड लिखना है, मतलब 2/3 इक्वल टू 4/6, ऐसे मुझे लिखना है साइड बाय साइड। कहता है ड्रा सुटेबल पिक्चर्स टू शो दीज फ्रैक्शन। अब मुझे इनके अकॉर्डिंग पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। अब देखो 2/3 का मतलब क्या है कि 3 में से 2, है ना, यानी कि 1, 2 और 3, ठीक है, 3 में से 2। तो 3 में से 2 लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो एक पार्ट को शेड कर दो या दो पार्ट को। मैंने दो पार्ट को शेड कर दिया, तो ये क्या दिखा रहा है, 2/3 दिखा रहा है, ये क्या है 2/3, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा फ्रैक्शन क्या, 4/6, यानी कि मैं क्या करूंगी, 6 पार्ट लूंगी, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 6 पार्ट लिए क्योंकि नीचे क्या होता है, टोटल जितने भी पार्ट हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 3 पार्ट्स लिए थे, अब मैंने 6 लिए हैं, उसमें 6 में से 4 मेरे कैसे हैं, कैसे भी मान के चलो शेडेड अनशेडेड, वो तो मर्जी होती है, ठीक है। शेडेड हैं कितने, 4 शेडेड है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4/6 को, ठीक है। एक्चुअली अगर हम देखें ना, तो इसके 4 पार्ट क्या शेडेड और 2 पार्ट कैसे हैं अनशेडेड हैं। तो अगर हम अगर पूरी इसको पूरा मान के चलें और दो पार्ट को मैं एक पार्ट मान लूं, ठीक है, ये दो पार्ट को मैंने एक पार्ट माना, फिर दूसरे पार्ट दो पार्ट को एक पार्ट माना और एक तीसरे को एक पार्ट माना, तो एक्चुअल में 2/3 ही है अगर देखा जाए तो, क्योंकि कट होके सिंपल होके, क्योंकि ये डिवाइड हो सकता है, जब तक डिवाइड होता है तब तक हम डिवाइड करते हैं, मिनिमम फॉर्म में लाते हैं। मिनिमम कहने का मतलब उसके बाद वो डिवाइड नहीं होता है, तो इसको हम डिवाइड करके यहाँ तक ला सकते हैं 2/3 तक। तो एक्चुअल में ये 2/3 ही है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन शो कर रहा है, एक्चुअली ये इक्वल है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, ठीक है, मतलब ये फ्रैक्शन इनके इक्वल हैं। उसके बाद देखो राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/2। 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं, फ्रैक्शंस बोल रहा है तो ज़्यादा लिखने हैं, कितने भी लिख दो, 3 4, ठीक है। इसका 1/2 का फ्रैक्शन 2/4, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, ठीक है, 3/6, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, 4/8 ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5/10 ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सारे क्या हैं, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। ये 10th क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हमने 12th छोड़ा था। 12th क्वेश्चन देखो, देयर आर 6 एप्पल्स इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में 6 एप्पल्स हैं, ठीक है, 3 of them are spoiled, जो 3 है ना वो खराब हुई हुई है, ठीक है। राइट द फ्रैक्शन कोरस्पोंडिंग टू द नंबर ऑफ एप्पल स्पॉइल्ड, हमें क्या करना है, फ्रैक्शन लिखना है किसके कोरस्पोंडिंग लिखना है, जो एप्पल खराब हो गई हैं उनके संदर्भ में लिखना है, उनके उनको लेकर चलना है, मतलब कहने का मतलब, ठीक है। अब टोटल जो चीज़ है वो हम नीचे लिखते हैं, ठीक है, टोटल हम नीचे लिखते हैं और जितनी खराब हुई हैं वो हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लिख लें पहले टोटल एप्पल्स, वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड प्रॉब्लम में हम सेंटेंस लिखते हैं, टोटल एप्पल्स कितनी हैं, 6 हैं, ठीक है। स्पॉइल्ड एप्पल्स
खराब हुई एप्पल्स कितनी है? 3 है, ठीक है। फ्रैक्शन लिखना है, फ्रैक्शन लिखना है तो फ्रैक्शन लिखेंगे यहाँ पे। फ्रैक्शन इक्वल टू कितना? 3 खराब हुई है, कितने में से? 6 में से, ठीक है। तो 3/6 आ गया, और इसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म, मतलब सबसे मिनिमम फॉर्म में। 3 से डिवाइड हो सकता है ऊपर नीचे दोनों, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, ये 1/2 आ जाएगी। मतलब आधी एप्पल खराब है। देखो 6 का आधा वैसे भी 3 होता है ना। देखो अब देयर आर 46 चिल्ड्रन, 46 चिल्ड्रन है, ठीक है। हाफ ऑफ देम आर गर्ल्स, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 46 बच्चे हैं टोटल चिल्ड्रन, टोटल चिल्ड्रन, टोटल बच्चे कितने हैं? टोटल चिल्ड्रन 46 हैं, और गर्ल्स कितनी हैं उनमें से? हाफ ऑफ देम आर गर्ल्स, उनमें से आधी गर्ल्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर पता लगाना है गर्ल्स का, ठीक है। गर्ल्स कितनी है अब? हाफ है, ठीक है। हाफ ऑफ किसका? 46 का, ठीक है। अब एक्चुअल ये तो क्या है? फ्रैक्शन है, गर्ल्स का फ्रैक्शन है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ गर्ल्स का फ्रैक्शन, ठीक है। अब एक्चुअल में गर्ल्स कितनी है? नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? यहाँ पे नंबर ऑफ लिख सकते हैं, नंबर ऑफ लिख लेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। अब क्या तरीका होता है हाफ ऑफ 46? मतलब क्या, 46 का आधा है ना, और आधा कैसे निकलेगा? 1/2 × 46 करते हैं हम, ठीक है। यानी कि 46 को 1 से क्रॉस करेंगे तो 46 ऊपर आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। या तो हम इसको कट करके कर दें, या फिर इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है कि 46 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से। ऊपर जो होता है इसका मतलब है 46 डिवाइड बाय 2, ठीक है। और डिवाइड करेंगे रफ में यहाँ पे करके देख सकते हैं, 46 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, ठीक है। माइनस लगाया, 4 में से 4 गया तो 0, ये नीचे उतारा 6। अब 6 कितने पे आता है टेबल में? 2 की टेबल में 2 3 जा 6, तो 3 पे 6 माइनस किया, 6 में से 6 गया 0। जब तक 0 नहीं बचता तब हम करते रहेंगे इस वाले क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में नहीं होता, रिमाइंडर कभी कभी बच जाता है, लेकिन यहाँ रिमाइंडर 0 बच रहा है, ठीक है, पूरा चला गया है। अगर रिमाइंडर कब बचता है? अगर 2 से वैल्यू, मतलब जो डिवाइडर होता है ना, डिवीजर होता है, अगर उससे कम वैल्यू बच जाए यहाँ पे रिमाइंडर में, तो फिर उसके बाद वो डिवाइड नहीं होता है। लेकिन अब आगे क्योंकि 0 ही बच गई है, ठीक है। अब 23 आंसर आ गया, 23 गर्ल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये करना है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, देखो अब यहाँ पे क्या है, देयर आर 72 चिल्ड्रन इन ए क्लास, ठीक है। 72 बच्चे हैं एक क्लास में, 36 ऑफ देम आर बॉयज, ऑफ देम का मतलब उनमें से, 36 बॉयज हैं, ठीक है। बच्चे टोटल इतने हैं क्लास में 72, और उनमें से बॉयज इतने हैं। राइट द फ्रैक्शन कोरस्पोंडिंग टू नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज को लेकर ही हमें वो लिखना है फ्रैक्शन, कि बॉयज का एक्चुअल फ्रैक्शन। अभी देखो नंबर, एक्चुअल नंबर दे रखा, फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा था? देखो फ्रैक्शन दे रखा था गर्ल्स का, पीछे वाले में गर्ल्स का फ्रैक्शन दे रखा था, और एक्चुअल नंबर निकालना था ना। तो हमें क्या करना पड़ा, जो फ्रैक्शन नीचे वाला जो पार्ट है उससे हमने डिवाइड किया इसको टोटल वाले को। और इस वाले में हम क्या करेंगे, देखो अब इसमें भी हम जो ये है ना 36 बॉयज, इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं कैसे करेंगे। टोटल चिल्ड्रन, टोटल चिल्ड्रन कितने हैं क्लास में, इन ए क्लास टोटल चिल्ड्रन 72 हैं, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 36 हैं। फ्रैक्शन ऑफ बॉयज हमें ये निकालना है ना, फ्रैक्शन ऑफ बॉयज, बॉयज का कितना फ्रैक्शन है?
तो इसके लिए सीधा हम क्या करते हैं, 36 अपॉन में 72, क्योंकि देखो जब हम कर रहे थे कि इतने में से इतने, 72 में से इतने है ना, हम हर एक में क्या करते हैं जब भी फ्रैक्शन करते हैं, जैसे 2/3 लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि 3 में से 2 है ना। अब यही चीज इसमें भी है कि 72 में से 36, 72 में से 36 है, ठीक है बच्चे, कौन बॉयज। तो इसको इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे या डिवाइड करेंगे देखते हैं, ठीक है। अब इसको हम किससे कट करें या डिवाइड करें कि देखो अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ पहले, ठीक है हो जाएगा, 3 से भी हो रहा है, ये देखो 3 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, ठीक है। हमें वैसे मिनिमम से भी करके देख सकते हैं हम, जरूरी नहीं है फिर से, लेकिन हमें डिवाइड करना पड़ेगा, जब तक करना पड़ेगा जब तक कि ये पूरा, जब तक डिवाइड होता रहता है, ठीक है। अब मैं इसको या तो मैं 4 से कर दूं, 4 से करके देखें, वैसे ही 6 से भी हो सकता है, ठीक है 6 से होगा वैसे ये, और ये 36 और 72 देखो आप किसके टेबल में, 12 के टेबल में आता है, 12 3 जा 36 और 12 6 जा 72 है ना, होता है ना। तो 12 से पूरा पूरा ये कट जाएगा, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, मतलब उसके बाद ये डिवाइड नहीं होगा। या तो क्या करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे और फिर आएगा आंसर, फिर उसको फिर से डिवाइड करेंगे। चलो मैं करके दिखा देती हूँ, पहले 2 से डिवाइड किया मान लो मैंने, ठीक है ऊपर नीचे 2 से डिवाइड किया तो 18 आएगा ऊपर, 2 1 2 2 8 16 करके देखना 18 आएगा, ठीक है। उसके बबाद इसको भी डिवाइड किया तो कितना आया, 2 3 6 और 2 6 12 36 आया, ठीक है। अब ये फिर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है 2 से या 3 से, दोनों से हो रहा है वैसे, 2 से ही डिवाइड किया मैंने, ठीक है। ये 2 9 जा और ये 2 1 2 8 16 9/18 और ये सीधा भी कट कर सकते हो, 9 1 9 9 2 जा ऐसे सीधा आप कर सकते हो, 9 से ही डिवाइड कर दो क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि 18 और 9 दोनों 9 की टेबल में आते हैं, 9 1 9 और 9 2 18 1/2 आ गया। एक तो तरीका ये है, ये थोड़ा लंबा तरीका है, इसकी बजाय हम क्या करेंगे, ऐसे कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हम डायरेक्ट करें, ठीक है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये कौन सी टेबल में आ रहे हैं दोनों, ठीक है जैसे मुझे पता चल रहा है ये 12 की टेबल में आ रहे हैं, ठीक है तो मैं 12 से डिवाइड करूंगी, बल्कि ये 18 की टेबल में आ रहे हैं देखा जाए तो, और वैसे तो 36 2 जो 72 होता है, ये 36 से डिवाइड होगा सीधा सीधा, ठीक है 36 से डिवाइड कर लेते हैं सीधा, मैंने ऊपर भी नीचे भी 36 से डिवाइड किया क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि 36 की टेबल में 72 आ रहा है, ठीक है तो 36 की 36 से मैंने डिवाइड किया, 36 को 36 से, 36 1 जा 36 1 पे गया, 36 2 जा 72 तो 2 पे गया, ठीक है 1/2 आ गया, ठीक है 1/2 आ गया, 1/2 क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया। एक और तीसरा तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ, ये दो तरीके मैंने बता दिए, एक पहले डिवाइड करते चले जाओ सीधा 36 से डिवाइड कर दो, अब एक तरीका और मैं बता देती हूँ आपको, कोई भी आप कर सकते हैं इनमें से, ठीक है। तीसरा तरीका ये है कि हम क्या करते हैं कट करने वाला, ठीक है 2 1 2 ये 36 को मैं डिवाइड कर रही हूँ, एक तरह से डिवाइड करते हैं एक्चुअली कट करना, 2 1 2 देखो 3 को जब कर रही हूँ तो 2 1 2 एक वन रिमाइंडर बचा 16 हो गया, 2 8 16 तो 8 पे गया, ऐसे 2 3 6 नीचे भी मैं कर रही हूँ 2 से ही, 2 3 6 वन रिमाइंडर, 1 के साथ 2 मिलके 12 हो गया, 2 6 12 36 आ गया, फिर से 2 से 2 9 18 ये भी 2 से 2 1 2 2 1 2 ठीक है 1 रिमाइंडर 6 के साथ मिलके 16 2 8 16 ठीक है। और अब 3 से हो रहा है देखो 3 3 9 3 6 18 अब 3 से हो रहा है 3 1 3 3 2 6 अब लास्ट में देखो ऊपर 1 नीचे 2 बच गया ना, नीचे 2 बच गया ठीक है, तो ये कितना आ गया 1/2। ये कटिंग वाला भी
कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तीन तरीके बताए। डिवीजन वाला वैसे करना चाहिए छोटी क्लासेस में, वो ज्यादा सही रहता है। देर आर 45 चिल्ड्रन इन ए क्लास, 45 बच्चे क्लास में, 15 ऑफ देम कैन प्ले फुटबॉल, उनमें से 15 जो हैं बच्चे वो 15 फुटबॉल खेल सकते हैं। बट फ्रैक्शन द चिल्ड्रन कैन प्ले फुटबॉल, ऐसे बच्चों का फ्रैक्शन बताना है जो फुटबॉल खेल सकते हैं। सेम ऊपर वाले जैसा ही है, टोटल चिल्ड्रन लिखेंगे, सेम वैसा ही है बच्चों, टोटल चिल्ड्रन 45, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज हु कैन प्ले फुटबॉल, फुटबॉल प्लेयर्स लिख लेते हैं, नंबर ऑफ 15 हैं। अब फ्रैक्शन ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स निकालना है ना हमें, या फ्रैक्शन ऑफ बॉयज हु कैन प्ले फुटबॉल, फ्रैक्शन सीधा फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। किसका फ्रैक्शन निकालना हमें, बॉयज का जो फुटबॉल खेल सकते हैं, तो वो कितने हैं, 15 है, टोटल कितने हैं, 45 है, ठीक है। देखो 15 जहां पे भी 5 आता है तो वो तो 5 से कटता होता है, हमेशा ध्यान रखो 3 या 5 से कटेगा, 3 और 5, 3 से भी कट रहा है ये, 5 से भी कट रहा है, ठीक है। अब मैं इसको 5 से डिवाइड कर देती हूँ, पहले 5 से डिवाइड कर रही हूँ, 5 दिख रहा है मुझे, 5 से हो रहा है, 5 3 जो 15, 3 आ गया ऊपर, 5 9 जो 45, 9 आ गया नीचे। अब देखो आगे ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 1/3 आ गया फ्रैक्शन, ठीक है। मतलब अगर 3 बच्चे होते तो उनमें से एक बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, 6 बच्चे होते तो 2 ऐसे 15 खेल रहे हैं 45 में से, एक्चुअल में वो फ्रैक्शन इतना है। फ्रैक्शन का मतलब कि अगर टोटल 45 है तो उसका तीसरा पार्ट, एक पार्ट, 3 में से एक पार्ट क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, तो 1/3 आ गया। देर आर 18 पैन इन ए बैग, अगर 18 पैन है एक बैग में, 9 ऑफ देम आर ब्लैक इन कलर, उनमें से 9 जो है वो ब्लैक कलर के हैं। बट फ्रैक्शन ऑफ द पैन्स आर ब्लैक, कितना फ्रैक्शन जो है पैन्स का ब्लैक है, मतलब कितने पैन्स, वो फ्रैक्शन निकालना है जो ब्लैक पैन है, ठीक है। अब ये भी सेम ही है, देखा जाए तो सारे सेम है भाई, इसमें उसमें बच्चे थे टोटल, इसमें क्या है, टोटल पैन्स है, है ना, टोटल पैन्स इन ए बैग, टोटल पैंस इन ए बैग कितने हैं, 18 हैं, ठीक है। और ब्लैक पैंस कितने हैं, नंबर ऑफ ब्लैक पैंस कितने हैं हमारे पास, 9 है। उनका फ्रैक्शन कितना है, यहां पे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ ब्लैक पैंस और नीचे लिख देते हैं फ्रैक्शन ऑफ ब्लैक पैंस, नंबर ऑफ ब्लैक पैंस, वैसे भी लिख सकते थे बट थोड़ा सा सही रहता है, समझ में आता है। और यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ ब्लैक पैंस, कितना हो जाएगा सोचो, वही 9 ऊपर आएगा क्योंकि जिसका जिसका निकालना फ्रैक्शन वो ऊपर और टोटल नीचे, ठीक है। 9 से डिवाइड हो रहा, सीधा सीधा दिख रहा है, 9 1 9, 9 2 18, 1/2 फ्रैक्शन है। मतलब देखो वैसे भी 18 का हाफ हाफ आ गया ना, ये हाफ फ्रैक्शन कैसा है, कलर ब्लैक कलर का है, ठीक है, और आधे अलग कलर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके थे, अब आ जाओ 14 क्वेश्चन पे। अब देखो ब्रेक द चेन, चेन टू गो आउट, द कैट शुड ब्रेक द चेन, सॉरी कैट शुड ब्रेक द नंबर विच इज नॉट इक्विवेलेंट टू द फ्रैक्शंस गिवन इनसाइड। अब देखो 3 फ्रैक्शन हमें दे रखे हैं, अब हमें देखना है कि इनके इक्विवेलेंट जो जो नंबर है उनको नहीं तोड़ सकती है ये कैट, ठीक है। अलग जो होगा ना इक्विवेलेंट नहीं होगा, ठीक है, उसको तोड़ सकती है। देखो ये कह रहा है ब्रेक द चेन टू गो आउट, ये बिल्ली बाहर जाना चाहती है, एक ये बंद है, देखो ये बंद एरिया है पूरा, ठीक है, इसको तोड़ना है। द कैट शुड ब्रेक द नंबर, कैट उसी नंबर को तोड़ सकती है, देखो द कैट शुड ब्रेक द नंबर, कैट उस नंबर को ब्रेक कर सकती है विच इज नॉट इक्विवेलेंट, नॉट लेके आया ना, जो बराबर नहीं है टू द फ्रैक्शंस गिवन इनसाइड, उन फ्रैक्शंस के जो अंदर दिए गए हैं।
अब हमें चेक करना पड़ेगा बाहर निकालने के लिए इसको, 1/3 है। अब यहाँ से शुरू कर लेते हैं, ठीक है, और 1/3, 1/2 और 3/4 है, ठीक है, 6/8 है, किससे डिवाइड हो सकता है, हम शुरू से शुरू करना होता है, 2, 3, 4 ऐसे डिवाइड करके देखते हैं, 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर मैं 6/8 को 2 से डिवाइड करूं ऊपर नीचे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2, 3 जो 6, 2, 4 जो 8, 3/4 है अंदर, तो ये तो नहीं होगा ब्रेक, है ना, नहीं होगा। इसको मैं लिख लूं, 3/4 आ गया, ये लिख सकती हूँ, ठीक है, 3/4 है, इक्विवेलेंट है, नहीं टूटेगा। इसको भी कट कर लो, 2, 1 जो 2, 2, 3 जो 6, 1/3 है, इसके अंदर नहीं टूट सकता, 1/2 तो ऑलरेडी है, 3 से कट करो, 3, 1 जो 3, 3, 3 जो 9, 1/3 आ गया, 1/3 है इसमें, ठीक है। 2/4 को कट करो, 2, 1 जो 2, 2, 2 जो 4, 1/2 है इसमें, नहीं हो सकता, नहीं टूट सकता, ठीक है। 3/7, अब देखो 3/7 टूटेगा, ब्रेक होगा ये, ठीक है, ब्रेक होगा, यानी कि ये होगा ब्रेक, यहाँ से ये टूट जाएगा, ये तोड़ने का निशान लगा दिया हमने, है ना, यानी कि कैट यहाँ से निकलेगी देखा जाए तो। और भी चेक कर लेते हैं एक बार हम सारे, ठीक है, सारे चेक कर लेते कि और कहीं से टूट रहा है क्या। अब देखो ये 3/7 क्यों नहीं इसके इक्विवेलेंट है, ये भी देख लो कि 3/7 है। अब ये देखो किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, ये कॉमन नहीं है कोई भी फैक्टर, 3 और 7 में से कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है जिससे ये डिवाइड हो जाए, ठीक है, ना 2 की टेबल से डिवाइड हो सकता, ना 3 की टेबल से डिवाइड हो सकता, और आगे 4 में तो आगे आएगा ही नहीं, 4 की टेबल में तो 2, 4, 2 जो 8 आ जाता है, तो 8 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो मतलब 2 और 3 की ही चेक करनी पड़ेगी। उसके बाद देखो 3/6 को देखो, 3 को अगर हम 3, 1 जो 3, 3, 2 जो 6, 1/2 आ गया, है वहाँ पे अंदर, तो ये नहीं ब्रेक हो सकता। 4, 1 जो 4, 4, 3 जो 12, 1/3 आ गया, है वहाँ पे 1/3, नहीं ब्रेक हो सकता। 4, 1 जो 4, 4, 2 जो 8, 1/2 आ गया, है, ठीक है, आई थिंक ये 5 है, 5, 5, 1 जो 5, 5, 3 जो 15, 1/3 आएगा, है वहाँ पे अंदर, तो नहीं ब्रेक हो सकता। 5/10 है, तो 5, 1 जो 5, 5, 2 जो 10, 1/2 ब्रेक नहीं हो सकता, अंदर है। 6, 1 जो 6, 6, 2 जो 12, 1/2, 1/2 है। 6, 1 जो 6, 6, 3 जो 18, 1/3 है अंदर, तो नहीं ब्रेक होगा। 7, 1 जो 7, 7, 2 जो 14, 1/2 है अंदर, नहीं ब्रेक होगा। तो देखो सिर्फ कौन ब्रेक हुआ है, सिर्फ ये वाला ब्रेक हुआ है हमारा, ठीक है, तो यहां से ये कैट जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 15 क्वेश्चन। चेक वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, कौन से फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है, हम देखना है। 1/3 एंड 2/5 इक्विवेलेंट नहीं है, नो, क्यों नहीं है, दिख रहा है हमें कि ऊपर 2/5 है, कट नहीं सकता, तो मिनिमम है और इक्वल नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद देखो इक्वल देखना होता है ना हमें, 3/4 इसको इक्वल करके देखना पड़ेगा कि कट हो रहा है, 2, 3 जो 6, 2, 4 जो 8, 3/4 आ गया, इक्विवेलेंट है, यस, ठीक है। उसके बाद देखो 4/5 और 8/10 है, ठीक है, 2 से कट करो, 2, 4 जो 8, 2, 5 जो 10, 4/5, 4/5 इक्वल है, यस, इक्विवेलेंट है ये, ठीक है, यस, इक्विवेलेंट, यस, इक्विवेलेंट, ये वाला इक्विवेलेंट है, ये वाला भी इक्विवेलेंट था, और ये नॉट इक्विवेलेंट, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखो 1/3 एंड 1/2, नहीं, नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है। उसके बाद देखो फिल इन द ब्लैंक स्पेस, हमें स्पेस दे रखा है यहाँ पे, इसको भरना है। अब यहाँ पे 3/7 हो, इक्वल लिखा हुआ है, इक्वल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ये, तो इक्विवेलेंट है, तो नीचे अगर 21 है, अब देखो इसको क्या करके देखना पड़ेगा, इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, 7, 3 जा 21, 3 पे जा रहा है, यानी कि यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है तभी 21 आया, तो यानी कि ऊपर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसे डिवाइड करके देखो जो आंसर आए उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 3, 3 जा 9, 9 आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे भी 4/5, यहाँ पे 10 है, 5, 2 जो 10, 5 की टेबल में 10 कहाँ आता है, 2 पे, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी 10 आए हैं, यानी कि 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 4, 2 जो 8, तो 8/10 आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे भी ऐसे सेम, 7, 5 जो 35, ठीक है, 5 से डिवाइड कर रही हूँ मैं, यानी कि इसको 20 को भी 5 से डिवाइड करूंगी,
अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूँ, देखो 7 5 जा 35, यानी कि 5 से डिवाइड किया है तभी तो 7 आया, यानी कि ऊपर भी मैं 5 से ही डिवाइड करूंगी, 5 4 जा 20, यानी कि 4 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो 6 बाय 15 है, ठीक है। अब देखो 3 2 जा 3 पे मैं डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है, ऊपर भी 3 से डिवाइड, नीचे भी 3 से डिवाइड। अब मैं ऊपर डिवाइड कर रही हूँ तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 2 बाय 5 आ रहा है, यानी कि 5 आ रहा है यहाँ पे। ओके, ऐड द फॉलोइंग, ठीक है, ऐड कैसे करते हैं अब इनको ये देखना है हमें। अब देखो अगर हमें नीचे सेम वैल्यू दे रखी है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाले एज इट इज ऐड हो जाते हैं। कैसे, नीचे 4 लगा लो, नीचे अगर 4 है दोनों के तो नीचे 4 लगा लो और ऊपर वालों को सिंपली ऐड कर दो, 2 और 1 3, ठीक है, 3 बाय 4 आ गया, 3 बाय 4 आ गया। ओके, अब यहाँ पे भी क्या करना है, नीचे यूं का यूं लगा लो जो नीचे डिनोमिनेटर है और ऊपर वालों को एज इट इज ऐड कर दो, 1 और 2 3, 3 बाय 3 का मतलब वैसे 1 आ गया, अगर हम कट करेंगे तो 1 बाय 1, यानी कि 1 आ गया। जब भी ऊपर नीचे सेम वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब वो पूरा पूरा चीज बन गई होती है, पूरा है वो, ठीक है, होल है वो। ऐसे यहाँ पे देखो 5, नीचे 5 है और ऊपर 2 और 3 5 हो गया, तो 5 लिख देंगे। ऐसे 7 नीचे है और 4 और 1 5 5 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना माइनस करना है, नीचे डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, लेकिन ऐसे ध्यान रखना डिनोमिनेटर सेम होने सेम है इनके, इसलिए 8 का 8 6 में से 4 गया तो 2। ऐसे यहाँ पे भी 3 और 4 में से 2 गया 2, यहाँ पे नीचे 3 7 में से 5 गया 2, नीचे 5 और 4 में से 3 गया 1 1 बाय 5, ठीक है। तो ये इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट हो गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, हैव ए नाइस डे।